हाँ जी, तेल साडा गर्म हो चुका। हुण असीं विच पावांगे प्याज, जी डिनर का टाइम हो चुका। तो अज मॉडर्न किचन के ब्लॉग के असं बना रहे हैं मेथी और आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होंगी है और साढ़े बच्चों भी बहुत पसंद है। कढ़ाई साड़ी गर्म हो चुकी तो हूँ असं पावे सरों का तेल। ये सरों के तेल ना ही बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। असी तेल गर्म करना रख दिता, जब तक तेल गर्म हुंदा तद तक असी अपने प्याज ते हरी मिर्च वगैरह कटिंग कर लेने। हाँ जी, प्याज साढ़े भुज चुके, हुण असी इहदे विच पावांगे हरी मिर्च। हाँ जी, मिर्च नूं भी असीं थोड़ा पका लिया। हुण पावांगे असीं इहदे विच हल्दी, स्वाद अनुसार पावांगे असीं नमक। नमक थोड़ा हिसाब नाल ही पाना क्योंकि जिहड़ी मेथी आ उह श्रिंक हो जांदी आ ते उस तों बाद फिर नमक जिहड़ा ज़्यादा हो जाता। साड़ी पक चुकी, हुण असीं पावांगे उबले हुए आलू पाने। असीं उस दे नाल जिहड़ा सब्जी का स्वाद आ बहुत ही ज़्यादा वधदा, मेथी बहुत ही अच्छी लगती है। आलू साले उबले हुए इस करके उन्हें ज़्यादा पकाने की लोड़ नहीं, तो मेथी दे नाल भी पकणगे। तो हुण असीं पा देवांगे इहदे विच बारीक कट्टी धोती हुई जिहड़ी मेथी पावांगे। इस सब्जी में पानी पाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पैंदी क्योंकि मेथी के अपना ही पानी हुंदा। इसनों असीं हजे थोड़ी देर ढक के नहीं पकाना, नहीं तो जिहड़ी मेथी आ कड़वाहट कर देंदी है। इस करके असीं कड़वाहट नहीं करनी, इस करके नंगा ही पकावांगे, बिना ढके पकावांगे। हाँ जी, मेथी देखो श्रिंक हो के किन्नी थोड़ी रह गई।
हाँ जी हुण करदे आं अपनी सब्जी चेक। वाओ देखो नहीं थोड़ी रह गई मेथी बाथू ये चीज़ा जड़ी बहुत ज़्यादा शिंक हो जाती है। सब्जी साड़ी बन चुकी है।